असलम दोस्तों मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्स यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की जो वीडियो है वो टायर एयर कंप्रेसर एयर पंप या एयर इन्फ्लेटर भी आप कह सकते हैं कि तो ये टायर कंप्रेसर किन लोगों के लिए बेहतर है और किन व्हीकल्स के लिए बेहतर है इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो ब आसानी उन तक पहुंच सके दोस्तों ये एयर कंप्रेसर जो है वो सिंगल सिलेंडर है देखें दोस्तों ये एयर कंप्रेसर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए आपने नाइट ड्राइव करके आ गए आपने कार को अपने कार पार्किंग जगह पे खड़ा कर दिया और टायर के अंदर हल्का पंचर है तो आप सुबह उठे और आपने देखा तो टायर तो नीचे बैठ गया है और स्पेयर टायर जो है वो आप यूज़ करेंगे ये बड़ी मेहनत का काम है अगर आपके पास एयर कंप्रेसर होगा तो आप आसानी उसे लगा के और अपनी एयर फिल करके आप मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं फिर वहां जाके आप अपना टायर पंचर चेक करवा सकते हैं दूसरा ये आपको बताता चलूँ कि आप फैमिली के साथ हैं और लेडीज़ आपके साथ है और हल्का पंचर है चलते कहीं रास्ते में आपने स्टे किया कहीं शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ आधा घंटा या एक घंटा गाड़ी खड़ी रही और पंक्चर थोड़ा ज़्यादा है तो टायर बैठ जाएगा तो वहां आपको स्पेयर टायर लगाने की जरूरत नहीं है अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है आपने इस एयर कंप्रेसर को निकालना है और फिर आपने एयर फिल कर देनी है दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन एयर कंप्रेसर है इसे मैं तीन चार सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं यहां आपको एक बात बताता चलूं कि आपने इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करना जब टायर पंक्चर हो या टायर बैठ जाए आपका हाफ तक पहुंच जाए तो ये बेकअप के लिए इस्तेमाल करना है आपने रेगुलर यूज़ के लिए आपने उन दुकानों पर जाना है जहां ऑटोमेटिक एयर फिल की जाती है जैसे डिजिटल एयर इन्फ्लेटर अवेलेबल हैं शॉप्स पे आप वहाँ से फिल कराइएगा इसे एमरजेंसी बेसिस पे और बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों ये आप देख सकते हैं असल में आ, बॉक्स के अंदर आता है बच्चा पार्टी ने बॉक्स इसका कहीं घुमा दिया है और ये फिर इसके साथ एक पाउच भी मिलता है और इसके साथ छोटे इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलते हैं वो हमारे इतने इस्तेमाल में नहीं आते आपको ये दिखाता चलूँ कि ये एयर कंप्रेसर आप देख सकते हैं ये तकरीबन राउंड अबाउट सेवन फीट इसकी वायर है जो पावर केबल है और एयर फिल करने वाला जो पाइप है वो तकरीबन टू फीट तक है इसके ऊपर हमें एयर गेज मिल जाता है ये एफ एक्स से लेकर एटीन हंड्रेड तक की कार्स के लिए बड़ा बेहतरीन है और इसके इस्तेमाल की बात करता चलूँ तो इसमें ऑन ऑफ का बटन दे रखा है आप इसे मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं आपने जब भी इसका इस्तेमाल करना है तो आपने कार को स्टार्ट करना है फिर आपने डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा दें इसे या आप जहाँ से हम हीटर बंद करते हैं वहाँ आप इसे लगा के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों जहाँ हीटर का इस्तेमाल होता है वहाँ से तो ये आगे वाले टायरों की तरफ भी इसकी वायर पहुँच जाएगी और पिछले टायरों की तरफ भी चली जाएगी अगर आपने बैटरी पे इस्तेमाल करना है तो फिर आपने इसके साथ कुछ तार का हिस्सा जोड़ना होगा अगर आप बैटरी से इस्तेमाल करते हैं इसे पिछले टायर की तरफ ले जाके तो आपने कुछ तार का हिस्सा इसके साथ जोड़ना होगा अब आपको मेन बात बताता चलूँ जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी कि पी क्या है वाट इज पी एस आई पी एस आई स्टैंड फॉर पाउंड पर स्क्वायर इंच अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ कि पाउंड पर स्क्वायर इंच काफी व्यूवर्स को ये कन्फ्यूजन हो रही होगी पी एस आई पैमाइश करता है कि कितने पाउंड का दबाव कुत मीन्स फोर्स के लें आप एक इलाके में खास तौर पर वन स्क्वायर इंच में यहां क्लियर हो गया दूसरा आपको ये बात बताता चलूं कि करेक्ट इन्फ्लेशन क्या है ओवर इन्फ्लेशन क्या है अंडर इन्फ्लेशन क्या है आपने काफ़ी ड्राइवर हजरत देखे होंगे कि वो टायर को देख के अंदाज़ा लगा देंगे कि इसमें ज़्यादा हवा है या कम है या लात मार के चेक करते हैं या मुक्का मार के चेक कर रहे होते हैं वो इनका अपना एक्सपीरियंस होता है पर मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करूँगा तो आप ये पिक्चर देखेंगे तो इसमें करेक्ट इन्फ्लेशन डिटरमाइन की हुई है अंडर इन्फ्लेशन डिटरमाइन की हुई है ओवर इन्फ्लेशन डिटरमाइन की हुई है अंडर और ओवर दोनों नुकसानदेह हमारे लिए हमारी टायर की लाइफ कम हो जाएगी यह आपको बात बताता चलूं कि टायर में कब हवा फिल की जाती है एटमॉस्फेयर uh, कौन सा होना चाहिए कोल्ड एटमॉस्फेयर होना चाहिए टायर में एयर फिल करने के लिए और अगर मैं uh, बड़ा बेहतरीन टाइम बताऊं तो वो अर्ली मॉर्निंग होगा और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तीन घंटे मुसलसल या दो घंटे एक घंटे गाड़ी को आप कहीं से लेकर आए हैं आ, दो सौ या डेढ़ सौ किलोमीटर के बाद तो टायर गर्म होता है तो आपने एकदम हवा फिल नहीं करानी है आपने थोड़ा स्टे करना है कि टायर का टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड हो जाए आ, वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए फिर आपने एयर फिल करानी है ये आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ और दूसरी बात ये बताता चलूँ आपको कि करेक्ट इन्फ्लेशन से क्या फ़ायदा है आपकी फ्यूल कंजप्शन में बचत आएगी और दूसरा आपको ये बात बताता चलूँ कि एक्सीडेंट में जैसे काफ़ी हजरात कहते हैं कि गाड़ी झोल खा गई और आगे आ, कोई चीज़ आ गई थी खड्डा आ गया था तो वो उ, उसके लिए भी एक्सीडेंट से भी आप बच सकते हैं और गाड़ी झोल नहीं मारेगी और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है आपकी शाख्स को नुकसान नहीं होगा क्योंकि टायर जब हार्ड होंगे तो वो आ, जब कोई खड्डा आएगा तो उसकी फोर्स रिटर्न बैक होके जाएगी जो आपके शख्स के लिए नुकसानदेह है और आपकी टायर की लाइफ भी बढ़ जाएगी और अगर आपके पास कमानी सिस्टम वाली कार है मींस मेहरान है तो कोल्ड मौसम में सर्दियों में आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है ओवर इन्फ्लेशन अगर आप टायर में हमेशा ज़्यादा हवा भर के रखते हैं तो वो कमानी और खड्डे में आ गई गाड़ी तो कमानी टूटने का भी खतरा होता है तो अब हम इसकी एयर फिल करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि ये एयर कैसे बासानी फिल करता है पूरी गाड़ी में से हवा भी आपको निकाल के दिखा दूंगा और आप इसे बसानी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा ही खूबसूरत है थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताता चलूँ जो इसमें मैंशन की हुई है वोल्टेज जो है डी सी वोल्ट पे यह ऑपरेट होता है और एम्पेयर की बात करूँ तो पंद्रह एम्पेयर तक ये तकरीबन ले सकता है मैक्सिमम प्रेशर की बात करता चलूं तो 150 फिफ्टी राउंड अबाउट तकरीबन आ, वन के जी तक इसका वेट है ये आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत है और डिसेंट है दोस्तों कार स्टार्ट कर दी है मैंने और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने तो जैसे ही मैंने लगाया तो इसने मुझे जो टायर में अभी जितनी एयर है तो एयर गेज मुझे बता रहा है कि कितनी टायर में हवा मौजूद है तो ये आपको बता देगा कि कितनी टायर में हवा मौजूद है और आपने कितनी भरनी है इस टायर में हवा फिल है पर मैं इसकी हवा निकाल के फिर आपको दिखाऊंगा कि आप इसमें हवा कैसे फिल कर सकते हैं तो मैं इसको मुकम्मल जो है ना इसकी हवा निकाल देता हूं फिर आपको दिखाता हूं ये देखें टायर मुकम्मल बैठ चुका है गाड़ी का वेट है तो बैठ चुका है अब टायर से मुकम्मल हवा मैंने निकाल दी है और यहाँ जो है ज़ीरो शो कर रहा है अब हमें इसे फिल करते हैं और एक अंदाज़ा भी लगाते हैं कि मुकम्मल बैठे हुए टायर में ये कितनी देर में हवा फिल कर लेता है ये देख सकते हैं आप टायर मुकम्मल फिल हो गया है तो ये काफी बेहतरीन है और चार पाँच सालों से मैं इसे इस इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आपने बैकअप के लिए यूज करना है इसी वीडियो में आपने कंफर्म कर लिया कि पीएसआई क्या है करेक्ट इन्फ्लेशन क्या है टायर में कम हवा भी नुकसान दे ज्यादा भी नुकसान दे है तो ये चीज भी आपने जहन में आ गई आपके दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखिएगा